वेलकम टू आवर चैनल। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे, खुश होंगे और हमारी वीडियोस को देख रहे होंगे, चैनल को विज़िट कर रहे होंगे। तो आज की इस खास वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं पेपर क्वाइलिंग आर्ट से बने हुए टाइपोग्राफी या इनिशियल्स और लेटर्स वगैरह जो कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं, उनके मुतलिक कुछ आइडियाज़ हैं जो कि हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पेपर क्वाइलिंग आर्ट में पेपर से कटी हुई बारीक बारीक स्ट्रिप्स की मदद से बहुत खूबसूरत डिज़ाइनिंग की जाती है, क्राफ्ट बनाए जाते हैं और इसमें बहुत सारी शेप्स बहुत आसानी से बनाई जा सकती है। लेकिन आज की ये वीडियो इस लिहाज से अहम है क्योंकि इसमें हम सिर्फ आपको टाइपोग्राफी दिखा रहे हैं, यानी कि पेपर क्वाइलिंग आर्ट की मदद से बनाए हुए लेटर्स आप किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। आप मुख्तलिफ़ रंगों को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ़ पैटर्न्स को, मुख्तलिफ़ शेप्स को और मुख्तलिफ़ स्टाइल को बनाते हुए इख्तियार करते हुए आप इस तरह से फॉन्ट्स या लेटर्स तैयार कर सकते हैं। और इस तरह से अगर आप इनिशियल्स तैयार करते हैं तो आप किसी को भी गिफ्ट में दे सकते हैं या अपने लिए ख़ास तौर पर तैयार कर सकते हैं। इस तरह से लेटर तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा ड्रा करना पड़ता है, आपको शेप बनानी पड़ती है क्योंकि फॉन्ट्स में बहुत सारी ऐसी शेप्स होती हैं जो कि डिफरेंट होती हैं। आप कोई भी शेप ले सकते हैं, उसको पहले ड्रा करें और इसके बाद हम इसकी सबसे पहले आउटलाइन तैयार करते हैं और इसके बाद आउटलाइन के अंदर मुख्तलिफ शेप्स और मुख्तलिफ डिज़ाइन जो हैं वो हम फिल करते हैं और इसकी मदद से ये बहुत खूबसूरत टाइपोग्राफी तैयार हो जाती है। इसके लिए आपको टूल्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं क्योंकि टूल्स की मदद से ही आप अपने लेटर्स को शेप देते हैं और इसके बाद आप चाहें तो किसी भी डिज़ाइन में इनको फिल कर सकते हैं, चाहें तो अंदर से आप इसको खाली छोड़ें और साइडों पर आप कोई भी बेलें बना सकते हैं, फूल लगा सकते हैं, पत्ते लगा सकते हैं और इसके बाद आप अगर आप चाहें तो इनसाइड में भी आप कोई भी शेप्स लगा सकते हैं, कोई फूल लगा सकते हैं और अपनी मर्ज़ी के रंगों का इंतखाब करते हुए इनिशियल्स तैयार कर सकते हैं। और इस तरह के तैयारशुदा जो लेटर्स होते हैं या इनिशियल्स होते हैं इनको आप बच्चों को भी गिफ्ट में दे सकते हैं। बच्चों की अगर कोई पार्टी है, जैसे कि बर्थडे पार्टी है, तो बच्चे के नाम का पहला हिस्सा लेकर आप इस तरीके से तैयार करके उसको डिस्प्ले कर सकते हैं या बच्चे को गिफ्ट में दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसको फ्रेम भी करवा सकते हैं ताकि ये आपके पास यादगार के तौर पर रहे और ये बहुत ही एक खूबसूरत और बहुत क्रिएटिव क्राफ्ट है जो कि अगर आप करते हैं तो इसमें आप ना सिर्फ इंजॉय करते हैं बल्कि आप इसको बहुत ही खूबसूरत एक मास्टरपीस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आप लोग वीडियो को एंजॉय करें और हमारे चैनल को विज़िट करते रहें मज़ीद ऐसी स्टफ के लिए और अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।